सोमवार रात करीब 12:15 बजे अचानक हुई इस मुलाकात ने राजस्थान का सियासी पारा चढ़ा दिया है। सीएम गहलोत की सूर्यकांता व्यास से हुई इस मुलाकात के बाद चुनावी साल में कई अटकलें लगाई जा रही हैं। दरअसल बीजेपी ने पार्टी की वरिष्ठ नेता और 3 बार सूरसागर सीट से विधायक सूर्यकांता व्यास का टिकट काट दिया। इसके बाद मंगलवार बुधवार के दरमियान रात करीब 12:15 बजे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी विधायक सूर्यकांता व्यास के घर पहुंचकर उनसे मुलाकात की। सीएम अशोक गहलोत जब बीजेपी विधायक सूर्यकांता व्यास के घर पहुंचे तो सूर्यकांता ने माला और शॉल उड़ाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान विधायक जीजी के परिवार के सदस्य भी मौजूद थे। 15 मिनट की मुलाकात के बाद जब सीएम उनके घर से निकले तो जीजी को हाथ जोड़ा तो उन्होंने भी सीएम के सिर पर हाथ रखते हुए आशीर्वाद दिया। सूरसागर से बीजेपी विधायक सूर्यकांता व्यास से जब सीएम गहलोत मिलने पहुंचे तो उन्होंने ये बात कही कि जीजी ने उनकी तारीफ की थी, इसीलिए बीजेपी ने इस बार उन्हें टिकट नहीं दिया। आपको बता दें कि अशोक गहलोत और विधायक सूर्यकांता व्यास भाई बहन का रिश्ता निभाते हैं। इस मुलाकात को लेकर दावा किया जा रहा है कि यह औपचारिक मुलाकात थी और सीएम गहलोत जीजी का हाल जानने गए थे, लेकिन इस मुलाकात ने नई सियासी चर्चाएं छेड़ दी हैं। सूरसागर सीट का समीकरण। कांग्रेस की सूरसागर सीट लगातार हारने की चिंता जयपुर से लेकर दिल्ली तक है, क्योंकि 2003 से लगातार इस सीट पर कांग्रेस हार रही है। बीजेपी हर बार यहां ब्राह्मण चेहरा उतारती है तो कांग्रेस अल्पसंख्यक पर दाव खेलती है। बीजेपी विधायक सूर्यकांता व्यास ही यहां से 3 बार की विधायक रही है, लेकिन इस बार बीजेपी ने जीजी का टिकट काट कर पूर्व जिला अध्यक्ष देवेंद्र जोशी को मैदान में उतारा है। उधर जीजी के टिकट कटने और अशोक गहलोत की मुलाकात को लेकर दोनों पार्टियों में नई चर्चा शुरू हो गई है। 20 साल से सूरसागर सीट को हार रही कांग्रेस ने अभी तक सस्पेंस कायम रखा है और प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं किया है। हालांकि अब सूर्यकांता व्यास को टिकट ना दिए जाना बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। इसी बीच सीएम गहलोत का बीजेपी विधायक के घर पहुंचना और अभी तक कांग्रेस का यहां से उम्मीदवार ना खड़ा करना कई संकेत दे रहा है। जीजी के टिकट कटने और अशोक गहलोत की मुलाकात को लेकर दोनों पार्टियों में नई नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं।